वेलकम टू क्या कैसे। क्या कैसे गुरु से चैट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिद्धांत जैन, जो एक ब्लॉगर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक यूट्यूबर हैं। इनका एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिड टॉक। सिद्धांत, वेलकम टू क्या कैसे। थैंक यू मैम, आपने मेरे को मौका दिया कि आपके गुरु से चैट में मैं आ पाया, तो उसके लिए आपको बहुत थैंक यू। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपके बारे में कमेंट कर रहे थे, क्योंकि मैंने फेसबुक के पेज पर अनाउंस किया था कि आप आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस वीडियो का वेट बहुत लोग कर रहे हैं। तो सिद्धांत, हमें अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए कि आप यूट्यूबर कैसे बने, और हमें थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए कि आप आखिर कहाँ से हैं और आपने कैसे डिसाइड किया कि आप एक यूट्यूबर बनेंगे। सो एक्चुअली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन की दुनिया में, वो हुई थी 10th क्लास से। जब मैं 10th क्लास में था, तब मैं धीरे धीरे वेबसाइट्स बनाता था, चीज़ें करता था। तो घर से मैंने 100 रुपये लिए थे क्योंकि मुझे एक वेबसाइट का नाम खरीदना था। तो मैंने siddhantjain.in खरीदा था। तब मैं ब्लॉग स्पॉट में फ्री में वेबसाइट चलाता था, चीज़ें चलती थी। तो वो 100 रुपये में .in मैंने खरीदा। उसके बाद मेरी एक वेबसाइट स्टार्ट करी मैंने, siddhantjain.in। तो उसमें चीज़ें मैं बताता था कि मतलब एक तरह से गूगल टाइप की डायरेक्टरी थी, जिसमें मैं बताता था कि कौन सी वेबसाइट पर क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ये करते करते पूरा 1 साल लगा मुझे, और $100 मैंने गूगल एडसेंस से पहली इनकम करी थी 2010 में। तो जब $100 आए, तो फिर मेरे हाथ में पैसा आया, मैंने सोचा चलो इसी को और इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर $100 मैंने लगाए और वेब होस्टिंग ली, चीज़ें बनाई, वेबसाइट बनाई। तो एक मैंने बहुत पहले वेबसाइट बनाई थी, alltvforyou.com। उसमें मैंने क्या किया था कि एक जो DTH कनेक्शन होता है हमारे घर पे, उसको मैं रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता था मेरी वेबसाइट पे। तो अब होता यह था कि जिसको भी कुछ भी मैच देखना होता था, तो वो मेरी वेबसाइट पे आ जाता था और फ्री में वो मैच देख लेता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस पर भाई कॉपीराइट भी होता है, DMCA लगती है। तो मेरी वेबसाइट बंद हो गई, मेरा पूरा जो पूरा होस्टिंग थी वो बंद हो गई, उसके बाद सारी चीज़ें बंद हो गई, इवन मेरा एडसन भी बंद हो गया। और उसमें मैंने एक महीने में $15,000 से $20,000 कमा लिए थे, वो लाइव स्ट्रीमिंग दिखा दिखा के। लेकिन फिर उससे एक चीज़ सीखने को मिली यार, कि कुछ गलत करोगे तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता आज मिले कल ना मिले। तो फिर मैंने मेरा जो डायरेक्शन है वो चेंज करा। तो फिर मैंने उसका जो पैसा थोड़ा बहुत मैंने कमाया था, उसको लगाया मेरी दूसरी वेबसाइट में, जिसका नाम था fast2sms.com। वो अभी भी चल रही है। तो उसमें थोड़ा और इन्वेस्ट किया मैंने। तो चीज़ें बस ऐसी चलती जा रही थी। फिर धीरे धीरे घर में जब 12th कंप्लीट हुआ, तो अब घर वाले बोलने लगे भाई तुमको क्या करना है आगे। तो मैंने बोला कंप्यूटर साइंस में नॉलेज है, बीटेक करा दो। तो घर वाले ने बोला चलो ठीक है बीटेक कर लेते हैं। तो मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। तो वो चीज़ें चलती रही, ये सारी चीज़ें मैं कर तो रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यार कि ये मैं बिल्कुल कॉलेज लाइफ के बाद इसको फुल टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं था। तो ऐसे करते करते 7th सेम में ऐसे ही मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे आइडिया आया कि यार क्यों ना ऐसे वीडियोस और अपन बनाए। और पहला मेरा एक मिथ था कि यार जो वीडियो लोग अपलोड करते हैं वो कॉमन लोग नहीं कर सकते, कुछ इन्विटेशन आता होगा गूगल की तरफ से, उसके बाद वो अपलोड होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो मैंने फिर चैनल बनाना सीखा, कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाई। फिर सिड टॉक का नाम लेना था, तो अब नाम मुझे नहीं पता था। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे मैंने शेयर किया कि भाई मैं एक चैनल ओपन कर रहा हूँ, कोई मुझे नाम सजेस्ट करो। तो एक फ्रेंड था निशान जैन, स्कूल फ्रेंड था, उसने बोला कि सिड टॉक रख लो। तब गूगल टॉक चलता था, अभी हैंगआउट चलता है, पहले गूगल टॉक चलता था। तो वो चीज़ें चलती थी, तो मैंने सिड टॉक रख लिया। फिर एक दिन बैठ के मैंने उसका लोगो डिज़ाइन किया, उसका कवर पिक डिज़ाइन किया, सब कुछ कर दिया। तो अब बात आई भाई वीडियो के अपलोड करें, वीडियो के पहले अब बात आई वीडियो अपलोड कैसे करें, क्योंकि ना कैमरा ना माइक कुछ। फिर मैंने और सर्च किया कि स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। फिर घुमा फिरा के एक पहला वीडियो अपलोड किया, WordPress HTML, वो हिंदी में सिखाया कि भाई HTML क्या होता है। अब वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने सोचा कि इसके 200 व्यू हो जाएंगे, उसके बाद मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा, और वो 6 महीने में कभी हुआ ही नहीं, मुझे 200 व्यूज ही नहीं आए। तो 6 महीने तक आपके एक वीडियो के कोई व्यूज नहीं आए, या बहुत ही कम व्यूज आए, मतलब 200 से कम व्यूज आए उसके अंदर। तो मेरा मोटिवेशन पूरा वहीं पे डाउन हो गया कि अब तो मुझे वीडियोस ही बनाना छोड़ दो। फिर मैं वापस व्यूअर बन गया, दूसरों की वीडियोस देखने में मजा आने लगता था, क्योंकि मैंने मेहनत करी मेरे वीडियोस पर, लेकिन व्यूज ही नहीं आए, तो मैंने छोड़ दिया। फिर जैसे तैसे एक बार ये हुआ कि मेरा विंडोज 10 अपडेट में बार बार प्रॉब्लम आती है, बार बार वो अपडेट करता है। तो मैं सोचा था इसको ऑफ कैसे करें, तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैं गया यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया कि भाई ये विंडोज 10 के ऑटोमेटिक अपडेट्स बंद कैसे करें। तो मुझे एक वीडियो मिल गया, उसके 30 मिलियन व्यूज थे, इंग्लिश का वीडियो था, बस 40 सेकंड का वीडियो था, ये ऑफ कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा यार अगर ये इतना सा वीडियो ये कर सकता है, तो मैं भी तो ऐसा बना सकता हूँ। तो मैंने भी एक ऐसे ही वीडियो बना दिया कैसे उसको ऑफ करें, और इस बार मैंने इंग्लिश में बनाया ताकि इंडिया के बाहर भी वो वीडियो चला जाए। लेकिन लकी बोले अनलकी बोले अपने आप को, वो वीडियो कहीं नहीं गया, वहीं पे 2-4-5 व्यूज के बाद खत्म हो गया। तो मेरा पूरा मोटिवेशन डाउन कि भाई अब सिट टॉक करते हैं बंद, जो अपन दूसरी चीजें करेंगे कॉलेज के बाद, जो है वो अपन जॉब ज्वाइन कर लेंगे और ऐसी चीजें चलती रहेंगी। तो
आपका लगभग 1 साल तक YouTube पर जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे YouTube पर होते हैं जिनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक ही वीडियो अपलोड करेंगे और वो वायरल हो जाएगा और वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे, और आम तौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और कई बार तो काफ़ी साल भी लग जाते हैं। और इस बात की हाँ कोई गारंटी नहीं है कि आपने बहुत सारे वीडियोस डाले हों तो भी वो चलें, तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। तो 9 महीने क्या तक आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, फिर उसके बाद आपने YouTube पर क्या किया? तो एक्चुअली उसके बाद हुआ ये कि रात में 10 बजे के आसपास भीम ऐप लॉन्च हुई, मोदी जी ने भीम ऐप लॉन्च करी, 30 दिसंबर 31 दिसंबर था ऐसा कुछ था, तो वो लॉन्च हुई। तो अब घर वाले बोलने लगे, यार ये भीम ऐप कैसे काम करती है, समझा दो समझा दो। तो मैंने बोला सबको एक एक करके समझाऊंगा, इसके अच्छा कि मैं मेरा फोन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सबको बता देता हूँ। अब वो रिकॉर्ड कर लिया तो मैंने सोचा चैनल भी है, वीडियो भी है, तो जा क्या रहा है, रिकॉर्डिंग है अपलोड कर देते हैं। वो मैंने अपलोड करी तब वो ऑटोमेटिकली अगले दिन तक 10,000 व्यूज आ गए ऑटोमेटिकली। तो वहां से एक चीज सीखने को मिली यार, कि अगर कोई ऐसा टॉपिक उठाएं जो लोग सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल इंस्टेंट है, बिल्कुल अभी लाइव कुछ ना कुछ लॉन्च हुआ है उसके ऊपर डालें और लोग दूसरे डालें उसके पहले, अच्छा अपना कंटेंट अगर मिल जाए उनको, तो कहीं ना कहीं उससे ऑटोमेटिकली आपका वीडियो प्रमोट होता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा वीडियो प्रमोट कर दो, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो वहां से एक नया किक मिला कि हाँ अभी जो यूट्यूब चैनल चल रही थी अभी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी, अब इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के चीजें करेंगे तो शायद ही और ग्रो कर सकता है। तो आपने टॉपिकल चीज़ों पर वीडियो बनाने शुरू किए जो कि लोग सर्च कर रहे थे या जो कि ट्रेंडिंग चीज़ें थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आपके चैनल पर बहुत सारे जियो के वीडियोस हैं, और जब जियो की एक वेव चल रही थी तो आपने उस जियो की वेव पर भी कैपिटलाइज किया है। या फिर धीरे धीरे मैं वही चीजें ढूंढ रहा था कि कौन से टॉपिक उठाएं, तो जियो फिर ऐसा पकड़ में आया कि जियो सब रिलेट कर सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो, और जियो के अच्छा खासा यूजर डेटाबेस है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जियो के ऊपर ही बताएंगे, तो उसमें जाता कुछ नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्ड करो, स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो, वीडियो बन जाता है, व्यूज आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा जियो पकड़ा है तो फिर ऐसा पकड़ेंगे कि बाकी किसी को सबको पूरा कॉम्पिटिशन खत्म कर देंगे। तो जियो करते करते चैनल ग्रो भी करने लगी, व्यूज भी आने लगे, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ने लगा। लेकिन अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब मैं वीडियोज बनाता था तो मुझे पहली बात तो यही नहीं पता थी कि स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करते हैं क्या करते हैं। फिर जैसे जैसे मैंने सीखा, चीजें सीखी, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो स्टार्ट किया। तो आपने YouTube के बारे में कहाँ से सीखा? YouTube से ही या आपने कोई कोर्स लिया या आप सेल्फ टॉट हैं? नहीं तो मैंने सारी चीज़ें खुद ही सीखी, ऑनलाइन ही सीखी। मतलब अगर मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन, तो सारे वीडियोस फ्री में मिल जाते हैं, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। कोचिंग आप जाओगे तो वो लोग पैसा लेंगे, टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे एक दिन में आप वो चीज़ सीख पाओगे जो वहाँ 30 दिन में सिखाते हैं। तो आपके ऊपर बस नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको कुछ सीखना है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मैंने खुद ही सीखी, कैसे वीडियो एडिट करना है क्या करना है। भले ही मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है बट मुझे वीडियो एडिटिंग और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं आती थी। तो जैसे जैसे मैं वीडियोज बनाता गया समझ आने लगा इसमें मैंने ये गलती करी, तो आने वाले वीडियोस में मैंने उसको सही करा। तो ऐसे करते करते वीडियोस बनाते बनाते चीजें सही होती गई। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि सिद्धांत कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, तो इन्हें कंप्यूटर्स की तो नॉलेज थी लेकिन इन्हें वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी जो इन्होंने खुद से यूट्यूब से गैदर करी, और इंटरनेट पर बहुत सारा फ्री मटेरियल भी पड़ा है, तो उन्होंने खुद ही से सीख सीख कर अपना चैनल बनाया और फिर करते करते वो सीख गए। सही कहा मैंने? हाँ तो बिल्कुल सारी चीज़ें मैंने खुद ही सीखी और सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सब आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, कैसे आपको वीडियो एडिटिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, सारी चीज़ें। तो जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी सब ऑनलाइन ही सीखी, कहीं भी मैंने किसी के पास कोचिंग के लिए नहीं गया, कुछ ऐसा मैंने नहीं करा। चलिए, तो अच्छी बात है। आपको लगभग 2 साल होने वाले हैं। मैंने यहाँ पर नोट किया था कि आपने February 18, 2016 में अपना चैनल शुरू किया था, और फिलहाल आपके चैनल पर 142 वीडियोस हैं, आपके 6,64,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 3.6 करोड़ व्यूज आ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप YouTube पर अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं, अगर आप गुरु से चैट पर हमारे साथ शेयर करना चाहें कि फिलहाल आपकी YouTube पर इनकम कितनी है, तो हमारे व्यूअर्स को बहुत इससे फायदा होगा।
तो आज तक तो मैंने ऐसा कुछ शेयर कभी कहीं भी नहीं करा किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितना मेरी अर्निंग है, बट गुरु से चैट में मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले जो लोग ये देख रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि रियलिटी क्या है, कैसे चीज़ें काम करती है। तो जनवरी की बात करें तो जनवरी में जब तक अपन वीडियोस अपलोड करते थे तो 1 लाख का मुझे $100 मिल जाता था, जनवरी की बात है। लेकिन फिर मार्च में वो चीज़ें हुई, एडवर्टाइजर और यूट्यूब के बीच में चीज़ें चलती रहीं, उसकी वजह से थोड़ा ड्रॉप डाउन हो गया। तो मार्च के बाद से मुझे 1 लाख व्यू पे मिल रहा था अराउंड $30 to $40। उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई। उसके बाद अगर मैं मेरी इनकम की बात बताऊं तो ओवरऑल बताऊं, मेरी दिसंबर से लेके लास्ट मंथ अक्टूबर तक तो $15,000 के आसपास मैंने अभी तक पूरा बनाया है यूट्यूब से सिट टॉक पे। तो लगभग 9 से 10 लाख रुपए के बीच में आप बना चुके हैं पिछले दिसंबर से लेकर के इस अक्टूबर तक, जो कि कम नहीं होता, काफी होता है। ऑलमोस्ट 1,000 से भी ज्यादा पर मंथ आप कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज। या एवरेज लें तो 1,000, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपने कौन से मंथ्स में कैसे वीडियोस बनाए, आपके कितने टोटल व्यूज आए। अब लोग सोचते हैं कि अगर इतना पैसा आ रहा है तो मैं दूसरी चीजें क्यों करूंगा, सारी चीजें ड्रॉप डाउन कर दूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये मेरा पास्ट हो गया। कल क्या पता मेरे यूट्यूब की चैनल बंद हो जाए, एडसेंस बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इनकम नहीं आया, मेरे वीडियोज ना चले, तो वापस मैं वहीं पर आ जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया। तो कभी भी ऐसी चीज नहीं करना चाहिए कि आप पढ़ाई छोड़ दें और सिर्फ पैसा आने लगे तो सिर्फ यूट्यूब ही यूट्यूब करें, सारी दुनियादारी छोड़ के सारे पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आप चीजें यूट्यूब करें, तो वैसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो जो भी चीजें आई वो सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वजह से आई, मैंने ज्यादातर जियो पे वीडियोस बनाए। और अभी अगर आप देखें तो लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो वो जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, 4 मिलियन व्यू हो गए। तो आज तक का सबसे पॉपुलर वीडियो टिकटॉक का वही है, जियो से भी ज्यादा उस पर व्यूज आए। और मैंने कभी सोचा नहीं था जब मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने सोचा था 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया कौन देखेगा, लेकिन लोग देख रहे हैं, 4 मिलियन उसके अंदर व्यूज हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। तो उससे भी चीजें समझ आई कि अगर आप कोई ऐसे टॉपिक उठाओ जो लॉन्ग टर्म है, और वो जियो का टॉपिक जो है 2 महीने बाद खत्म हो जाता है, उस पर कोई व्यूज नहीं आते, लेकिन इंटरनेट वाला वीडियो लॉन्ग टर्म चलेगा तो ये आपकी लॉन्ग टर्म इनकम बन गई उसके थ्रू। सही बात है। तो आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया जब आपने कहा कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अनकन्वेंशनल पाथ है, थोड़ा हट के आपने कुछ डिसाइड किया, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं और इंजीनियर हैं, और बहुत सारे लोग एक कन्वेंशनल जॉब की तरफ जाते हैं, खास करके ग्रेजुएशन के बाद जब उन्होंने इतनी पढ़ाई करी होती है। यूट्यूबर तो कम ही लोग बनते हैं, तो जब आपने आपके पेरेंट्स को बोला कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? सो एक्चुअली उनका भी यही रिएक्शन था। मतलब पहली बात तो मैंने बताया नहीं मुझे यूट्यूब करना है, क्योंकि मैं वैसे ही अंदर ही अंदर कर रहा था, वेबसाइट्स भी जो चलाता था सब कॉलेज लाइफ में चल रही थी। तो मेरा भी माइंडसेट यही था यार कि 7th 8th सेम के बाद मुझे भी जॉब करना है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है जैसी चल रही है चलने दो, मुझे भी जॉब करना है। घर वालों को भी पता था जॉब ही करते हैं, और एक पैटर्न चलता है कि इंजीनियरिंग के बाद सब जॉब के लिए जाते हैं। तो मैं जॉब के इंटरव्यूज में भी गया, मेरे रिटर्न्स भी निकले, बहुत सारे टेक्निकल राउंड्स भी निकले, लेकिन फिर मजा नहीं आ रहा था। लोग यही बोलते थे, 5 साल से जो वहां पे काम कर रहे हैं उनका भी यही कहना था कि वहाँ ग्रोथ नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो फिर मैं घर वालों के पास गया और मैंने बोला, बॉस मुझे 1 साल दे दो आप, अगर आप मुझे 1 साल दे दोगे, अगर मैंने मेरे बल पे जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कर लिया तो फिर यही सारी चीजें चलती रहेंगी, नहीं करा तो जो आप बोलोगे, जिस कंपनी में बोलोगे उस कंपनी में जाके मैं जॉब करूंगा। तो वो 1 साल मैंने लिया था मेरे कॉलेज लाइफ के बाद, मतलब जुलाई 2016 के बाद मैंने वो चीजें ली। तो मैंने खुद की कंपनी ओपन करी सिद्ध ग्रुप्स नाम से, जितनी वेबसाइट चलाता था सब उसके अंदर इनबिल्ड करी, और उसके बाद लीगली ये कंपनी रजिस्टर करा के चीजें स्टार्ट करी। तो एज अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर मैंने मेरा अपना लाइफ स्टार्ट करी। और जैसे यूट्यूब की चैनल तो बहुत पहले ही मैंने बना ली थी, तो चीजें समझ आने लगी, तो यूट्यूब भी उसके साथ ही मैं करता रहा पार्ट टाइम में, वो चीजें भी चलती रही। लेकिन आज अगर पेरेंट्स के पास जाएं तो वो भी बोलते हैं कि हाँ अब जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और हमको भी अब तुम पे भरोसा हो गया है कि हाँ जो भी आप करोगे लाइफ में वो अच्छा ही करोगे। तो आपको उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इतने लकी नहीं रहते, या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम यूट्यूब को फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि इसे एज अ हॉबी लेना चाहिए या इसे सीधा ही फुल टाइम करियर की तरह लेना चाहिए? आपको अगर आप कोई YouTube की चैनल आपने बनाई है, आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आपको फुल टाइम तो अभी नहीं लेना चाहिए जब तक आपको खुद का मन ना बोले कि हाँ अब मैं इस लेवल पे तो आ गया हूँ कि मैं जो भी वीडियोस डालूंगा उस पर व्यूज भी आएंगे, इनकम भी होगी। क्योंकि ओवरऑल देखें तो घुमा फिरा के सबका फोकस इनकम पे ही होता है, अगर इनकम नहीं होती तो आज यूट्यूब के कोई क्रिएटर्स नहीं होते। तो इनकम के चक्कर में लोग आते हैं, लेकिन फिर उनको इनकम दिखने लगती है कि एक मंथ में हमने $500 कमा
कमा लिया, $100 कमा लिया, तो उनको लगता है यार पैसा आ रहा है तो फिर दूसरी चीजें क्यों करें। लेकिन उनको ये नहीं लगता ये जो पैसा है ये पुराने वीडियोज का है, नई वीडियोज तो आपको बनाने ही है। ऐसा थोड़ी आपने 100 वीडियो बना दी और जिंदगी भर जो है वो आपको व्यूज आते जाएंगे, आपकी इनकम आती जाएगी। तो आपको लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। अगर आप आज देखें बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, इनके 2-3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद भी वो फुल टाइम नहीं ले रहे, तो हम लोग क्या है, अभी हम 6 लाख पे ही हैं, और आज से अगर हम फुल टाइम करेंगे तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब को फुल टाइम तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा, कल आपकी चैनल बंद हो सकती है, कॉपीराइट आ सकता है, एडसेंस बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैकअप लेके चले, आपको जितना नॉलेज, आपको जितना टाइम मिल रहा है, आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वो टाइम यहाँ पे यूज करिए। आपका वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है तो वही टाइम यहाँ पे यूज करके आप उसका कुछ आउटपुट दे सकते हैं। अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपकी चैनल अच्छी ग्रो हो गई, आपको अंदर से एक मोटिवेशन आए कि हाँ अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो चलेगा और ये सारी चीजें, तब आपको फुल टाइम लेना चाहिए। बट मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी नए यूट्यूबर को। तो अभी आप हफ्ते में कितनी देर YouTube को डिवोट करते हैं? एक्चुअली ऐसे मैंने टाइम डिवाइड नहीं किया है, बिकॉज मेरे दूसरे काम बहुत चलते हैं, लेकिन अगर कुछ भी ऐसी न्यूज़ मिलती है कि हाँ बॉस इसके ऊपर वीडियोस बनाना है, तो सारी चीज़ें छोड़ के मैं पहले वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले टाइम पे नहीं बनाया तो दूसरे लोग बना देंगे और मेरे व्यूज़ वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो जैसे भी अभी टॉपिक्स मिलता जाता है उसके हिसाब से मैं बनाते जाता हूँ टाइम को शेड्यूल करके। बट मेरा एक टारगेट रहता है कि पर डे का मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन उसके लिए फिर मुझे भी एडिटिंग करना है, मुझे खुद रिकॉर्ड करना है, सारी चीज़ें करना है, तो वो हो नहीं पाती। तो मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कुछ अच्छे प्रोफेशनल तरीके से एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया जाए पर डे के हिसाब से कि 2 से 3 घंटे देना है YouTube को, उसके हिसाब से सारी चीजें करूंगा, तो वो धीरे धीरे मैं उसको प्लान आउट कर। अच्छा, तो फिलहाल आपका YouTube पर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और अब आप काफी फेमस हो गए हैं, खास करके YouTube की दुनिया में तो बहुत ही फेमस हो गए हैं, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं जब आप बाहर जाते हैं, एक सेलिब्रिटी स्टेटस आपने कहा आपको भोपाल में मिल गया है। जब हम इससे पहले बात कर रहे थे तो हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए कि YouTube से आपकी जिंदगी कैसे बदली है। YouTube से एक वो चीज़ हो गई, देखो जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे भी एक होड़ चलती है कि आपको IIT से ही करना चाहिए, ये करना चाहिए, ताकि आप वहाँ से एक लेवल मिल जाए आपको। मैंने जिस कॉलेज से करा इतना लेवल नहीं था, लोकली कॉलेज था, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो मुझे अंदर ही अंदर ये था कि चलो मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन मुझे पहचानेगा कौन, मेरा नॉलेज देखेगा कौन। तो यूट्यूब से मुझे एक वो प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को लोगों तक पहुँचाने का कि हाँ मेरे में भी ये नॉलेज है, मेरे में भी ये पोटेंशियल है। तो वो पहुँचते पहुँचते अब अगर मैं कहीं जाता हूँ, भोपाल तो वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बोल लेते हैं देखो सिट टॉक, तो वो अच्छा लगता है, फील आता है कि हाँ भले ही मैंने कैसे भी कुछ भी करा है, लेकिन यूट्यूब से एक मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है, एक जो भरोसा मिला है लोगों का, वो अच्छा है। और YouTube पर एक मिक्स्ड बैग है, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और कुछ अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, बहुत प्यार भरे मेल्स आते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरी बुरी बातें भी कहते हैं। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कुछ अच्छा या बुरा जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें? तो गालियां तो सभी देते हैं, सब यूट्यूबर्स को आते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स सबके पास आते हैं। तो वही है, जब मैं वीडियोस बनाता था तो जियो पे ज़्यादा फोकस रहता था, तो लोग मुझे जियो बॉय बोलते थे, सिर्फ जियो की चैनल है, ये सब चीज़ें बोलते थे। तो वो सारी चीज़ें भी हुई, बाकी मैंने एक फिल्ट्रेशन भी लगाया हुआ है, तो वो लोग मेरे तक आ ही नहीं पाते, उनके कमेंट्स उन्हीं तक रह जाते हैं, तो मैं उस फिल्ट्रेशन वाले टैब में जाता ही नहीं हूँ। तो बाकी लेकिन वो है कि एक डीमोटिवेशन भी आता है इन लोगों को देख के कि यार मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि 100 लोग में से अगर 2 बोलेंगे तो आप 2 पे ज़्यादा फोकस करोगे कि 2 लोग को गलत क्यों लगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार 2 के अलावा 98 लोग और हैं जो अच्छा बोल रहे हैं, तो मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सबकी थिंकिंग अपने जैसी नहीं होती, अपन जो कर रहे हैं सबको पसंद नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बैलेंस रहता है। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप पे भरोसा है लोगों का, तो आप वो करते रहो, भले 4 लोग 5 लोग कुछ भी आपको बोल रहे हैं। हाँ, वो तो है। आई थिंक ये भी सच है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, उनकी नेचर ही ऐसी होती है कि उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। तो एक सेइंग है ना, हेटर्स आर गोइंग टू हेट, तो जिन लोगों ने आपको पसंद नहीं करना वो उनकी मर्जी है, वो फिर शायद उनकी ओपिनियन चेंज करना आपके लिए मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप उन पर फोकस करें जो आपको कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दे रहे हैं और जो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में इम्प्रूव भी हो सकें। तो एक सवाल मेरा था आपसे कि आप वीडियो के टॉपिक्स कैसे चुनते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टॉपिक आप वीडियो के फॉर्म में लेकर के आएंगे? क्योंकि जैसे हमारा जॉनर है टेक, उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और एक ही टॉपिक पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो आप कंसिडर करते हैं?
तो इस चीज़ के लिए तो मैंने मेरा खुद का एक फॉर्मूला बनाया है। जैसे अगर मुझे किसी भी वीडियो को अपलोड करना है तो पहले मैं वो टॉपिक सर्च करता हूँ यूट्यूब पे और देखता हूँ कि बॉस उस वीडियो पे मतलब उस टॉपिक पे कितने लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और सेम टॉपिक पे सेम लोगों के जो वीडियोस हैं मैक्सिमम कितने व्यूज गए हैं। तो मुझे एक वो मिल जाता है परसेंटेज कि इतना मैक्सिमम इसका है, तो अगर मैं उससे अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो इतने व्यूज तो आ ही सकते हैं क्योंकि इतने लोगों ने वो चीज़ देखी है जानते हैं। तो यही चीज़ मैं सर्च करता हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका जो टॉपिक है उसमें मैक्सिमम कितना है। जैसे अभी मैंने एक बनाया था इंटरनेट कैसे काम करता है, तो जब ये मैंने वीडियो बनाया तब मैंने सर्च किया था, मतलब कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ पहले दूसरों की वीडियोस देखता हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट ये नॉलेज हो जाए कि वो लोग क्या बता रहे हैं, तो वो तो मैं कवर करूँ, उनने जो नहीं बताया वो भी कवर करूँ ताकि मेरा कंटेंट और अच्छा बन जाए। तो वो मैंने देखा था तो 3 से 4 लाख व्यूज थे मैक्सिमम उस टॉपिक पे। तो मैंने सोचा चलो 4 लाख भी बहुत होते हैं, बना देते हैं। वो वीडियो बना दिया, 4 मिलियन हो गए। उसके बाद एक मैंने और सर्च किया कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, वो मुझे मिला तो 3 से 4 मिलियन मैक्सिमम वीडियोज पे व्यू थे वहां पे, वो कैसे काम करता है। तो वो करते करते मुझे एक वो टॉपिक और मिल गया कि उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग सर्च करते हैं। तो आप जो भी टॉपिक बनाओ, जो भी वीडियोस बनाओ, पहले वो देख लो उस टॉपिक पे मैक्सिमम व्यूज कितने गए हैं दूसरे लोगों के। तो उससे आपको एक अंदाजा आ जाता है कि उस पे कंपटीशन कितना है, आपको कितने व्यूज आ सकते हैं अगर आप उनसे अच्छा कंटेंट बनाते हो। तो हर बार मैं यही ट्राई करता हूँ। बाकी मैं जियो ज्यादा लेता हूँ क्योंकि जियो की ऑडियंस भी ज्यादा है और वो सर्चेबल भी है। तो आज भी अगर सिर्फ आप जियो लिख दोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे मेरे वीडियोस फर्स्ट पेज पे आपको मिल जाए। अगर मैं इसे समराइज करूं तो आपने कहा कि आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से रिसर्च करते हैं और यू वर्क हार्ड बट यू ऑल्सो वर्क स्मार्ट, यानी कि आप ज़्यादा वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन आप समझदारी से और केयरफुली अपने वीडियोस के टॉपिक्स चूज करते हैं। एक और या आपने अच्छी टिप दी, वो ये कि आप कंपटीशन के कंटेंट को तो देखते हैं लेकिन उसमें जो चीज़ें मिसिंग होती हैं उसे भी कवर करते हैं, यानी कि आप उस कंटेंट को फर्दर इम्प्रोवाइज करते हैं या अपना। तभी आपके वीडियोस को कोई देखेगा, नहीं तो उनके वीडियोस में वही चीज है, वही चीज आप अपने प्रेजेंटेशन में बताओगे तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया लोगों का। तो उनसे अरे अच्छा क्या बना सकते हो, आपको इसी पे फोकस करना है। तो आप अपना खुद का भी वैल्यू एडिशन करते हैं जिससे या कि लोगों को फायदा हो और आपके वीडियो में उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। करेक्ट, या सो दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड टिप। अब आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आप जियो पर ही वीडियोस बनाने वाले हैं या आप कोई और तरह के वीडियोस के बारे में सोच रहे हैं? आपने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी तो सोची होगी। तो जियो से एक्चुअली एक बूस्ट मिला। जैसे अगर आप कोई नया यूट्यूबर ये देख रहा है तो वो अपनी चैनल को बूस्ट कराने के लिए क्या करता है, मेल करता है लोगों को कि भाई मुझे प्रमोट कर दो, मुझे भी रोज के मेल आते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते यार कि अगर चलो 10 लाख सब्सक्राइबर है, उसने एक वीडियो में आपको प्रमोट कर भी दिया, उसके 10 हजार व्यूज आए, 10 हजार में से 5 हजार लोग आपके चैनल तक आए, उसमें से 3 हजार लोगों ने सब्सक्राइब किया और वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरी वजह से, मेरे ट्रस्ट की वजह से आप तक आए। अगले वीडियो में आपने और कुछ बताया तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो सबकी लाइफ में एक ना एक वो आता है कि वायरल टॉपिक होता है सबकी यूट्यूबर की लाइफ में जो उनकी चैनल को बूस्ट करता है। तो वो वायरल टॉपिक मेरे लिए था जियो, जो मैंने जियो पकड़ के अपने चैनल को बूस्ट कराया। अब मेरे पास ट्रस्ट आ गया है लोगों का, लोगों के सब्सक्राइबर आ गए, सब्सक्राइबर का बेस आ गया, चीजें आ गई। तो अब मैं जिस भी टॉपिक पे फोकस करूंगा आगे चलेगा। तो मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो यही है कि लॉन्ग टर्म टॉपिक्स पे मैं सोचूं, क्योंकि मैं पहले सोचता था सिर्फ जियो पे मैं व्यूज ले सकता हूँ, लेकिन अगर इंटरनेट वाला वीडियो मेरा जियो से भी ज्यादा जा सकता है, चैनल का सबसे बड़ा वीडियो बन सकता है और वो ऐसा वीडियो है कि जिंदगी भर चलेगा, वो अगर 2 साल बाद 5 साल बाद भी कोई यूट्यूब पे आएगा तो कभी ना कभी तो सर्च करेगा हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो वो चलेगा। तो अब मैं वही प्लान आउट कर रहा हूँ कि बैठ के मेरी पूरी लिस्ट बना लूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लोग सर्च करेंगे, उनसे अच्छे मैं वीडियोस बना सकूँ, तो उन्हीं टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊँ ताकि वो ऑटोमेटिकली चीजें बढ़े और ऑटोमेटिकली चैनल ग्रोथ करे अगर आप वीडियोस नहीं डालोगे तब भी। तो अभी यही फोकस है मेरा कि फटाफट अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट बनाऊँ मैं, और जियो को आप थोड़ा अपार्ट रखूँ क्योंकि उसने मुझे बूस्ट दे दिया। अब उसका यूज करके मेरी चैनल में और क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ मैं लोगों के साथ, वो मेरा दिमाग लग। और ये भी एक और अच्छी लर्निंग है क्योंकि फेजेस आते हैं, कुछ टॉपिकल चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो टॉपिक हर वक्त लोगों का इंटरेस्ट होल्ड कर सके, और जो चीज़ हॉट थी 6-9 months पहले वो ज़रूरी नहीं कि आज भी लोग सर्च कर रहे हों। तो अगर आप परमानेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाएंगे जो एवर लास्टिंग होगा तो उसकी शेल्फ लाइफ या उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है। ये भी या एक अच्छी करेक्ट टिप है। अच्छा, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स आपने दी लोगों को। एक बस चीज़ आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप आज शुरू कर रहे होते अपनी YouTube की जर्नी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखी हैं, ऐसी मिस्टेक्स जो आप सोचते हैं कि काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं ये ना करता था?
मेरी गलती की बात करें तो मैंने भी एक चीज एक्सपीरियंस करने के लिए गलतियां करी हैं। जैसे एक वीडियो था जियो डीटीएच के ऊपर, तो वो वीडियो और किसी का था। मैंने क्या किया कि उसका वीडियो कॉपी कर लिया, 15 मिनट्स का वीडियो था, उसको 3 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके अपना वॉइस ओवर देके उसको अपलोड कर दिया। मुझे ये चीज तो पता थी यार कि इस पे कभी ना कभी कॉपीराइट आएगा, तो मैं रोज मेल चेक कर रहा था कि कॉपीराइट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो वो नहीं आया। और देखते ही देखते 1 मंथ में उसका 1 मिलियन व्यू हो गया, अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिलने लगे। तो मुझे फिर लगने लगा कि यार ऐसा भी कर सकते हैं, तो फिर तो सही है यार, पैसा भी आ रहा है, वीडियो भी और किसी का ये है। लेकिन फिर 1 से 1.5 महीने बाद वो कॉपीराइट आया, तो मुझे फिर समझ आया कि यार कॉपीराइट आता है तो जो मैनुअली डिटेक्ट होता है उसके बाद वो लोग करते हैं कॉपीराइट क्लेम लगाते हैं, फिर चैनल पे आता है, 3 कॉपीराइट आ जाते हैं तो चैनल बंद होने का डर है, ये सारी चीजें। तो कॉपीराइट कैसे काम करता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने वो चीज करी। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वीडियो हट गया, फिर चीजें समझ आई कि हाँ वो जो कॉपीराइट का पैसा होता है वो अपना रहता है। अभी तो शायद टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई है, बट तब मुझे वो पैसा मुझे मिला और वो जो चीजें थी उसका जो वीडियो था वो हट गया। लेकिन जो सब्सक्राइबर मैंने गेन करे, जो व्यूज गेन करे, वो आज भी मेरे चैनल में काउंट होते हैं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी का वीडियो अपलोड करते हैं, किसी का ऑडियो या थंबनेल्स भी, स्क्रीनशॉट्स भी अगर आप किसी और चैनल का लेकर के अपलोड करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो वो गलत है और आपको उसके लिए पेनल्टी मिल सकती है। पहली बात तो हुई ये, और दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी का वीडियो अपलोड किया है और उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया है उस पर, तो अब नए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से यूट्यूब उस पैसे को अपने पास रखता है और उसको डिस्प्यूटेड कंटेंट की तरह ट्रीट करता है, जब तक कि वो डिसाइड नहीं कर लेता कि उस कंटेंट का ओरिजिनल ओनर कौन है। और फिर जो उसका ओनर होता है उसकी पेमेंट उस ओनर को जाती है, चाहे आपके चैनल पर वो अपलोडेड भी हो तो भी आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। ये अभी हाल ही में बदलाव आया था, तो ये मैं बता दूं लोगों को। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरे वाले वीडियोस में मुझे ही मिला था, लेकिन YouTube पे धीरे धीरे काम कर रहा है उनके कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कि उनको कैसे और बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो शायद मैंने जो गलती करी वो आज अगर मैं करूंगा तो मुझे इनकम भी नहीं मिलेगी और चीजें भी सारे शेयर्ड हो जाएंगी। और दूसरी बात ये भी कि यूट्यूब काफी स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। पिछले साल में बहुत सारे वीडियोज डीमोनेटाइज हुए, कई लोग ये कहते हैं कि आखिर मैंने गलत किया क्या, उन्हें समझ नहीं आती कि उन्होंने पहले भी वही चीज करी तब तो कोई पेनल्टी नहीं मिली, लेकिन अब वो वही मिस्टेक या वही चीज करते हैं तो उन्हें पेनल्टी मिल जाती है। तो अब यूट्यूब काफी स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, इसलिए आप टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए और इन सब चीजों से, इन ग्रे एरिया से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा चैनल बंद हो जाए। कभी कभी स्ट्राइक नहीं मिलती है, आप कह रहे हैं कि आपने एक्सपीरियंस लेने के लिए स्ट्राइक ली। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि कोई भी ये रिस्क ले, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्राइक ही मिलेगी, कई बार सीधा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाता है। वो चीजें भी होती है, लेकिन जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो लोग यही सारी चीजें करते हैं अपना चैनल प्रमोशन के लिए, और किसी का वीडियो लगाते हैं ताकि व्यूज आ जाएं, ये चीजें हो जाएं, तो उनको लगता है कि एक वीडियो चल गया तो सारे वीडियोस चलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, लग भी काम करता है आपका, कभी कभी एक दो वीडियो पर कॉपीराइट देर से आता है या शायद नहीं आता है, लेकिन फिर एक बार आएगा तो फिर आपके पुराने वीडियोज भी जाएंगे, चैनल्स भी जाएगी। तो उनको ऐसा लगता है कि चलो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, दूसरे के कॉपी कर रहे हैं हम कंटेंट, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी आपको कॉपीराइट आएगा। तो आप जो भी चीजें चलें आप बिल्कुल सेफ रोड पे चलें, कभी ऐसा ना समझे कि इसको मैं जंप करके आगे चला जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपका कंटेंट ही आपका किंग है, आपकी चैनल का किंग है। अगर आप आपका कंटेंट पे फोकस नहीं करेंगे, चोरी करेंगे, कुछ गलत चीजें बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप ही को उसका नुकसान होना है। ये बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया, ये एक अच्छी टिप है, कंटेंट इज किंग, और ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करिए, किसी और के कंटेंट को कॉपी मत करिए। अगर आपने देखा भी है तो उसे इम्प्रोवाइज करिए और उस पर अपनी छाप छोड़िए, दूसरों के कंटेंट को हूबहू बिल्कुल वैसे का वैसा अपलोड मत करिए। YouTube के अलावा आपने कहा कि आपके कुछ ब्लॉग्स हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपने अफिलिएट मार्केटिंग भी यूज करी है YouTube पर, और आपका उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? सो एक्चुअली मैंने YouTube पे एडसेंस के अलावा और कभी फोकस नहीं करा कि मैं एफिलिएट लिंक्स लगाऊं, वहां से पैसा कमाऊं, स्पॉन्सरशिप लूं, क्योंकि मेरा थोड़ा थिंकिंग अलग है एफिलिएट मार्केटिंग से लेके। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा है कि आपकी अगर कंपनी है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप मुझे 2-3% दोगे और मुझे मेरा दिमाग लगाना है, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाना है आपका प्रोडक्ट बिकवाने के लिए। तो आपको पूरा 100% मिल रहा है, उसमें से 2% आप मुझे दोगे और पूरी मेहनत मैं करूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उसकी जैसी कंपनी बनाई जाए, उसकी जैसी पूरी सर्विस बनाई जाए और खुद बैठे बिठाए कमाए और सामने वाला जो उसको प्रमोट कर रहा है
उसको 2% दे दें। इसलिए मैं ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस नहीं करता कि दूसरों का प्रोडक्ट क्यों खराब करना, क्यों उनको प्रमोट करना। अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओ, खुद की सर्विस बनाओ और उसको प्रमोट करो और बैठे बिठाए कमाओ। तो कभी मैंने यूट्यूब में एफिलिएट लिंक्स नहीं लगाया। अभी मैंने एक वेब डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें चाहता तो मैं डोमेन होस्टिंग के लिए एफिलिएट लिंक्स दे सकता था, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते, बट मुझे इतना फोकस नहीं है कि मुझे सामने वाले को सिखाना है, वो सीख लेगा उसके बाद फिर उसकी जिम्मेदारी है, उसको लेना है, लेना हो तो ले, नहीं तो नहीं ले। तो आप ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं विश्वास करते और आप ज्यादा लिंक्स भी इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, ये तो आपकी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस भी है, बट एक चीज ये आपने अच्छी कही कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर फोकस करना चाहते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आप उतनी ही मेहनत करके उससे ज्यादा पैसे कमा लेंगे अपनी ही सर्विस में। वो सबकी थिंकिंग रहती है, उनके अगर ब्रॉड थिंकिंग है तो वो वैसी चीजें सोच सकते हैं, नहीं है तो उनको अगर पैसा मिल रहा है तो वो लिंक शेयर कर करके भी पैसे कमा सकते हैं। वो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, उनको जाना कहाँ तक, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है। आप अगर एक लाइफ में आप सोचोगे कि बस कैसे भी शॉर्ट टर्म्स में पैसे कमा लेते हैं, ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़े, तो वो 1-2 महीने चलेगा। लेकिन आपने अच्छा दिमाग लगाया, अच्छा खासा एक वेबसाइट बनाई या स्टार्टअप एक खड़ा कर लिया, तो लॉन्ग टर्म में आपको उससे अच्छा खासा फायदा मिलेगा। फिर आपको बैठे बैठा इनकम होगी, भले ही पहले आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप पहले ही सोच के रखें कि इस लिंक को शेयर करने से 20 रुपए मिलते हैं, मैं दिन में 50 बार कर दूंगा, मेरी इनकम हो जाएगी, लेकिन वो जिस दिन साइट बंद होगी उस दिन आपकी भी इनकम बंद। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट के 2 मिनट्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन सिट टॉक के सिद्धांत से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपने भी उनसे कुछ नया सीखा और उनकी जर्नी से आप भी इंस्पायर हुए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर करना मत भूलिए। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, एक बार फिर थैंक्स सिद्धांत, थैंक यू, धन्यवाद।